क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको नहीं पता इन्होंने जानबूझ के मुझे वहाँ छोड़ के आई है कि मैं ना फिर से पागल हो जाऊँ। मार दूंगा इसे, मार दूंगा। क्यों किया ऐसा? तुझे कैसे पता कि राजा वहाँ एडमिट है? बोल वरना मार दूंगा। बता था, सब सच बता था। उड़ानिया सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर सभी गांव वालों और पंचायत को पता चल जाता है, सभी समाज वालों को पता चल जाता है कि भाई सुखी की काली करतूते क्या है। अपनी बीवी के होते हुए यानी कि रानू के होते हुए भी उसने पराई औरतों से संबंध बनाया और यहाँ पर उसे उनसे एक बच्चा मिला है जिसका नाम रणविजय। राजा क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको नहीं पता इन्होंने जानबूझ के मुझे वहाँ छोड़ के आई है कि मैं ना फिर से पागल हो जाऊँ। मार दूंगा इसे, मार दूंगा। क्यों किया ऐसा? और तुझे कैसे पता कि राजा वहाँ एडमिट है? बोल वरना मार दूंगा। बता था, सब सच बता था। और ये बात जो है सभी गांव वाले और समाज के सामने आ जाती है और यहाँ पर भाई जो समाज वाले हैं काफी नाराज होते हैं इनकी हरकत पर और कहते हैं कि भाई इनके फैमिली को और सुखी को इस गांव से निकाल फेंकना चाहिए। और इसी बीच यहाँ पर सुखी जो है अपनी गलती को पंचायत के सामने एक्सेप्ट करेगा और रणविजय को अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट कर लेगा। और इसी बीच यहाँ पर वो आलिया और रणविजय की शादी का भी अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि भाई आलिया को भी खुश रहने का पूरा हक है और मैं आलिया राजा के लिए अपने बेटे के लिए आलिया की खुशी नहीं छीन सकता। तो यही आगे हम देखने वाले हैं कि भाई सभी लोग जो है यहाँ पर आलिया की शादी के प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। और यहाँ पर आने वाले एपिसोड में यहाँ पर आसमा को एक बड़ी बात का खुलासा होता है। उसे पता चलता है कि भाई आज तक जो भी दवा आलिया दे रही थी राजा को वो दवा गलत थी, इससे राजा की हालत और भी खराब हो रही है। अब यहाँ पर ये सवाल बन रहा है कि भाई आखिर क्यों आलिया ने ऐसा किया। तो इसी बीच यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई आसमा जो है यहाँ पर वो आलिया की रस्म को रोक देती है, आलिया की जो भी रस्म हो रही होती है शादी की। और यहाँ पर आसमा एक लेटर पढ़ रही होती है और ये लेटर जो है वो रणविजय की तरफ से होता है। और इस लेटर में लिखा होता है कि भाई मैं अपने भाई राजा को धोखा नहीं दे सकता आलिया के साथ शादी कर, इसलिए यहाँ पर वो लेटर में लिखता है कि भाई मैं आलिया से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। और इस बात को सुनकर आलिया काफी ज्यादा टूट जाती है और वो कहती है कि वो रणविजय को अपनी जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में रणविजय यहां पर आलिया से शादी नहीं करना चाहता या फिर ये है कोई नया खेल।